जानती हूँ अभी वक्त इन बातों के लिए सही नहीं और मैं तुझ पर कोई दबाव भी नहीं डालना चाहती हूँ, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहती हूँ जो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी भी है कि तू वीर के लिए क्या महसूस करती है। मुझे नहीं पता दी, मुझे तो ये लगता है कि क्या मेरी फीलिंग्स मैटर भी करती है, और सच कहूं मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या फील करती हूँ। हाँ लेकिन मैं बहुत छोटा जरूर फील कर रही हूँ दी, बहुत छोटा। कीरत रुक, मेरी बात तो सुन दी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी थी। अब जाओ अपने घर वालों को संभालो, मैं खुद को संभाल लूंगी। कीरत मुझे साहिबा से उम्मीद नहीं थी, मैंने तो हमेशा उसका साथ दिया है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। साहिबा ने सोच भी कैसे लिया कि वीर और कीरत एक साथ, मतलब कहां वीर कहां कीरत, इन दोनों तो क्या मेल है। यही तो कह रही हूं कि ये साहिबा की सोची समझी साजिश है। साहिबा को इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने उससे बात की, पूछा मैंने उससे, और अगर उसे पता होता ना वो मुझे जरूर बताती। तुझे क्या लगता है सीरत ने और साहिबा ने तुझसे कोई बात नहीं छुपाई? अब तो समझदार बन अंगज, अपनी गलतियों से सबक ले। ये सारा किया कराया तेरा ही है ना, ये सारी तेरी ही प्लानिंग है ना। कीरत को भी तो इस घर की बहू बनाकर लाना चाहती है हु? ऐसा नहीं है मनवीर मां, मुझे वीर के फीलिंग्स के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था। देख साहिबा, ऐसा है कि तू जितनी दिखती है उतनी भोली है नहीं, और मैं उतनी बेवकूफ भी नहीं। सब कुछ सब नजर आ रहा है और समझ भी आ रहा है। तुझे लग रहा होगा कि गुरलीन सीधी साधी सिंपल सी है, तेरी बातों में आ जाएगी और कीरत को अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो जाएगी, लेकिन मैं तुम तीनों बहनों की स्कीम्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुझे ना जितनी चालें चलनी है तू चल ले, लेकिन एक बात हमेशा याद रख, तेरी बहन इस घर में बहू बनकर कभी नहीं आएगी। मम्मा प्लीज, आप साहिबा को इस मैटर में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि ये मैटर इसी ने शुरू किया अंगद, और इसे एक बात बहुत अच्छे से समझा दे, इसकी जो ये प्लानिंग है ना कीरत को इस घर में बहू बनाकर लाने की, इसे ये हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए।